जब भी हम नया फोन लेते हैं, फोन लेने के बाद हम कभी भी उसको ब्रेक नहीं दबाते, रेगुलर चलता रहता है। इस वजह से हमारे फोन की लाइफ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। साल और दो साल के बाद हमें फोन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी मशीन है, अगर कोई रेगुलर चलती रहेगी तो उसकी संभावना खराब होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज की सेटिंग पे मैं आपको बताने वाला हूँ भी आपने कौन सी सेटिंग को ऑन करना है, जिससे आपके फोन की लाइफ दो गुना तीन गुना बढ़ जाएगी। और जो फोन आपका एक साल के बाद आपको बदलना पड़ता है, अभी आपको तीन या चार साल के बाद आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपने एक्चुअली करना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आपने क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जैसे चले गए हैं तो जहाँ सर्च ऑप्शन में एक पावर नाम आपने टैप कर देना है। जैसे पावर आप टैप करोगे तो आपके सामने जहाँ शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसको आपने मतलब कि एक्टिवेट करना है। इसको सिर्फ आपने एक बार सेटिंग करनी है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ लिखा हुआ है पावर ऑन टाइम, कई बार फ्रेंड जब भी हम मतलब कि पूरा दिन भर काम करके फ्री होते हैं, रात को सोते हैं, जैसे हमारा सोने का टाइम 10 बजे है, तो हम लगभग भी हमें 11 से लेकर रात को 11 से लेकर सुबह 3 बजे तक फोन का कोई काम नहीं होता। तो उस टाइम हम इस पे शेड्यूल ला देंगे भी रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक या 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा फोन ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या फोन क्या करेगा, आपने कुछ ऑफ नहीं करना, आपने चुप करके जैसे सोना है आप फोन रखो साइड पे, अलार्म लगाओ, जो भी लगाओ आपने सो जाना है। ये फोन जहाँ पे जो सेटिंग आप कर दोगे, ये फोन जिस जो भी आप जहाँ पे टाइम सेट करोगे, ये फोन अपने आप ऑफ हो जाएगा, और जो भी टाइम आप ऑन होने का टाइम भरोगे तो अपने आप ये ऑन हो जाएगा। जैसे पावर ऑन का टाइम है, जहाँ 1:38 हुए हैं ने पावर ऑन का टाइम, जहाँ पहले तो मैं पावर ऑफ का टाइम भर देता हूँ भी पावर ऑफ कितने बजे होना है। जैसे 1:38 हुए हैं तो जहाँ पे मैं टाइम सेट कर देता हूँ, तो लगभग जहाँ पे जो टाइम सेट होता है ये आपको 24 मतलब कि उसके फॉर्मेट के हिसाब से होता है। जैसे 1:13 या 2 बजे जो दिन के 2 बजते हैं तो 14 बजते हैं उस हिसाब से। जैसे 13:00 अभी 39 हुए हैं तो मैं यहाँ से 40 कर देता हूँ। तो आपको मैं एक लाइव दिखाने वाला हूँ आप ये कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड, तो जहाँ पे 13:40 हो गए हैं, तो जहाँ पावर ऑन का टाइम है, जहाँ से मैं 13:42 कर देता हूँ, 2 बाद का टाइम मैं जहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये टाइम आपके सामने आएगा तो अपने आप फोन को ऑन कर देगा, अपने आप ऑफ कर देगा। ठीक है फ्रेंड, मैं जो टाइम सेट कर दिया, जहाँ जैसे 40 होते हैं, 40 होते सारी ये बंद नहीं होगा, 40 के हो सकता है 20 के, जैसे 40 होते हैं आफ्टर 20 के बाद ये ऑफ होएगा। ये देखो, ये पावरिंग ऑफ का ये इन्होंने टाइम बता दिया है, जहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन के जरिए भी बता देता है भी आपका फोन इतने अभी बंद होने वाला है। इसको आप कस्टमाइजली अपने हाथ से मतलब अगर ऑफ हो भी गया तो आपको बीच में फोन की जरूरत है तो आप ऑन कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोबारा ये ऑन नहीं होगा, जैसे ये टाइम हो जाएगा फ्रेंड तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, और जो भी टाइम आप सेट करोगे उतने टाइम बाद ये अपने आप ऑन हो जाएगा जी। अगर मैं ये देखो फ्रेंड, ये टाइम हो गया तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो आफ्टर 2 के बाद आप देखना ये फोन दोबारा ऑन हो जाएगा। इस वजह वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ ताकि आपके टाइम की बचत हो सके। देखिए फ्रेंड, ये फोन अपने आप, मैंने कोई चीज और टच नहीं की है, ये फोन मैंने ऐसे ही रख दिया था आपके टाइम की बचत के लिए, मैंने फोन वीडियो को पॉज कर दिया था, ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा जो आफ्टर 2 के बाद, जितने टाइम बाद आपने वो टाइम सेट किया है। तो बड़ी कमाल की चीज है फ्रेंड, आप अपने फोन में अप्लाई करके रखो, जिस टाइम आपको लगता है भी इस टाइम से लेकर रात को, चाहे 1 के लिए फोन को बंद करो, आधे घंटे के लिए करो, 2 के लिए करो, 4 के लिए फोन को बंद करो, तो पूरे दिन में तो इसका बंद करना जरूरी होता है। हर टाइम फोन चलता रहेगा तो फोन के खराब होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।